गाइज़ वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। और एक छोटा सा और हमारे बीच सचित यादव एंड अंश यादव और चे भाई हमारा, जो कि अभी एक छोटी सी कॉमेडी आपको आपस में करके दिखाएंगे कैसे बात करते हैं। तो ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और स्किप मत करिए भाई, मज़ा ही नहीं है अगर आप स्किप करते हैं। सही बोला ना मैंने? तो ब्लॉग करते हैं हम, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे आजा भाई जल्दी से। अरे भाई कुछ बता यार, कोरोना वोरोना का भाई क्या है मामला भाई? ए तुम लोग देखो, हम कोई कोरोना वोरोना के निर्माता तो है नहीं है। हाँ भाई, हमको लगता है ना, ये जो अक्षय कुमार है ना और उनसे जुड़े 46 लोगों को भी कोरोना ने पकड़ लिया है। पता नहीं क्या कोई पिक्चर बना रहे थे। कोई पिक्चर हो चाहे कोई पिक्चर हो, क्या बताए हम लोगों को क्या है इसमें। हाँ भाई, लेकिन ये हमको लगता है पिछली बार को लॉकडाउन पूरा इंडिया में लगा था, लगता है इस बार भी साला लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन ना लगे तो अच्छा है, हम लोगों का ही फायदा होगा, घर में घुसे रहो, जब देखो तब कोई काम धंधा ही नहीं था। सही हाँ, बोला रे, सही बोला रे भाई। यार ये एक बात बताओ, ये जो भारत वाले है ना, इन लोगों को लॉकडाउन लगाने में क्या मिलता है यार? ए लॉकडाउन वो लोग इसलिए तेरी रक्षा करने के लिए लगाते हैं, कुछ तो समझा करो ना भाई, कुछ तो बाहर निकला दो ना। अरे भाई उधर पुलिस निकालो थोड़ा बाहर, तो पुलिस डंडा लेके ढेर हरी दर ढेर हरी दर पिछवाड़े को, पिछवाड़े को स्क्वायर शेप में कर देती हाँ है। भाई और जब सही बोला। सोफे पे बैठो ना तो भाई यूं बैठो, भाई बड़ी देर लगता है। उसी लिए मम्मी से कहते हैं कि मम्मी पूछती है क्या हुआ तो बताना पड़ता है कि मम्मी मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया। बड़ी तेज मारा है पुलिस ने। एक बात बताओ, देखो ऑनलाइन पढ़ाई करोगे कि नहीं? अरे भाई उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता, अपने आप में बड़बड़ावा करती है टीचर, उसमें हम कहाँ कर ले। सही तो बात कहते हो तुम्हें। हाँ पता नहीं कहाँ करा करती हूँ लोग मैं। हम लोगों का एक है, देखो भाई देखो, हम लोग यहाँ सिर्फ एक बात कहते हैं, इन टीचर लोगों को कोई काम तो है नहीं और फिलहाल ऑनलाइन पढ़ने में मजा आता नहीं है के? हाँ क्लास में लौंडे अंडे देखना मिलता नहीं है। अब बताओ कौन लड़की देखता है? नहीं बताओ तुम मुझे, नहीं बताओ। अरे भाई तू देखता नहीं है कैमरे में, मैं सब देखता हूँ कैमरे में। देखते तो स्कूल में कैमरा लगा होगा, फिर के उनसे कॉपी नहीं मांग सकता। अरे भाई तू लॉन्ड्रियों को देखता है, मैंने देखा था एक बार। एक बात बताओ, नहीं इधर आओ। ए मैंने भी देखा था तेरे स्कूल में। एक बात बताओ, तेरा स्कूल अलग है मेरा स्कूल अलग, तो तूने कैसे देखा? नहीं भाई मैंने एक बार आया था तेरे स्कूल में भाई, उधर मैंने देखा लॉन्ड्रियों के साथ डिस्को में डांस। एक बार मेरे स्कूल में डिस्को होता ही नहीं भाई, लेकिन दूसरी जगह पे तो होता है, स्कूल से जाने भाई ये करा लानी डिस्को। अरे वो तो सीबे से फन के लिए था ना। हाँ और उसको लड़की को बाथरूम में भी तो लेके गया था। तेरी तो काहे झूठ बोलता है बाबा, झूठ नहीं है सच बोल रही लाए। को एक बात तो रे भाई, देखो बोलो ने, इन टीचर्स को जो है ना एक बात कहनी पड़ेगी, घर में जाएंगी आराम से लेटेंगी, किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ स्कूल में जब देखो हमारी बिचारों की धुलाई कर देती है, सत्यानाश हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है यार। भाई यार मैं तो जब जाता हूँ मेरा काम भी कंप्लीट हो, जिसका भी हाथ ना साफ हो, आया एक दो चपाट क्या तरीके, दो तरीके दो टमाटी दो टमाटी मारते चले आगे जाके। यार मेरे को तो सुबह सुबह ही धो दिया उनने। अरे होमवर्क करके ले जो, जब चेक नहीं करेंगी और जब ना चेक ना करके ले जाओ तो भैया होमवर्क लाओ। हाँ भाई और बता, मेरे को तो पता ही, मैंने पूरा होमवर्क करके ले गया भाई, और मैम ने बता कॉपी उठाई, कॉपी से फुटबॉल खेल रही थी यूं करके भाई, यूं उठाई और मार दी मुंह पे फाट दे भाई, मैं तो कॉपी से फुटबॉल। देखो ये इतना लंबा है, चलो माना ये एक बोनी मैम आती है जो कि हमारे घर के रीसु की तरह है ना, मान लो ना, है ना बोनी मैम? हाँ बोला। तो उनको कोई सब लोग इज्जत देते हैं, अगर अभी हम लोग बोनी हो जाए तो कहेंगे कि वे बोले नाटे बेटे मौज कर दी। अरे कहेंगे कि अरे भाई मैंने तो मैम से कहा कि मैम आप बेफालतू में मेरे ऊपर हाथ मत साफ किया करिए। मैम ने भाई मैम ने कहा मैं हाथ नहीं साफ करूंगी, लेकिन भाई फिर बिना साबुन के मुझको भाई धो दिया भाई, पिछवाड़ा लाल कर दिया, लाल कर दिया भाई, बहुत लाल कर दिया।
छोड़ो भाई। एक आइडिया है देखो, हाँ एक काम करते हैं, ये जो हमारे पूरे गैंग है ना, उनको कहते हैं कि किसी दिन जाओ और बहुत सारे बम बारूद लेकर आओ, वो इसे स्कूल में ब्लास्ट कर दो। ए यार मेरे को भी तो चोट लगेगी ना भाई। तो तेरे तुझे कहता कौन है भाई? भाई पहले मैं हम लोग पहले लंच करने भाग जाए और कमरे के जहाँ दरवाजे होते हैं उधर लाइन वाइन लगा देंगे और फिर हम लोग सीधा। देखो देखो अब जब वो लोग हम लोग जाते हैं, देखो कहाँ कहीं जाते हैं, उसी के बाद में जब एक वो सारिका मैम और उनके साथ में कोई भी टीचर आ जाता है, वो भी मैं जेंट्स है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा था, तो वो टीचर कहता है क्या मैम क्या कर रहे हो करके, वो मैंने देखा था, एक सारिका मैम थी और एक बिमलेश सर थे भाई, वो यूं करके मैम ने यूं खड़ा हो गया, यूं करके यूं मैम खड़ा हो गया, यूं यूं कर रहे थे। तो ये गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो है? है? और हाँ एक बात बताओ, वीडियो पसंद है तो लाइक करना भूलना ही मत। हाँ लाइक करना इज कंपलसरी, कोई फ्री में कुछ खर्चा है ही नहीं है। और हाँ रुको रुको रुको, जाना नहीं कहीं, मेरे को पूरी बात सुनो यार। देखो हमारे सेकंड चैनल के बारे में नहीं जानते तो जान लो, कल पहली वीडियो आएगी उसमें कॉमेडी, तो ये पूरी वीडियो देखना। देखो उस कॉमेडी देखो, उसमें हम लोग अच्छे अच्छे एक्टिंग का भी बनाएंगे। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में से नहीं मिलते हैं, तब तक बाय बाय।